गाइस आईपीएल 2020 में अब मिड सीजन ट्रांसफर विंडो भी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों इस विंडो के तहत आईपीएल 2020 में कई बड़े प्लेयर्स जो अभी तक बेंच पे ही बैठे हैं या सिर्फ उन्होंने दो ही मैच खेले हैं, वो बड़े बड़े प्लेयर्स एक टीम से दूसरी टीम में जाने वाले हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आज आपको उन्हीं 10 बड़े खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो मिड सीजन ट्रांसफर के तहत एक टीम से दूसरी टीम में जाने वाला है। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहेगी और वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करें हम पहले खिलाड़ी की, वो है दोस्तों इमरान ताहिर। जी हाँ दोस्तों, CSK के इमरान ताहिर को ऑफर आया है दूसरी टीमों से। तो दोस्तों बात करें कौन सी टीम ने उनको ऑफर किया, तो वो है दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम। जी हाँ दोस्तों, MI की टीम ने CSK की टीम को इमरान ताहिर के लिए अप्रोच किया था। वहीं दोस्तों दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो है दोस्तों मिचेल सैंटनर। जी हाँ दोस्तों, CSK के ही मिचेल सैंटनर, जो अभी तक इस IPL में एक भी मैच नहीं खेल पाया है, मिचेल सैंटनर के लिए यहां पर अप्रोच किया है मुंबई इंडियंस की टीम ने। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने मिचेल सैंटनर और इमरान ताहिर दोनों ही प्लेयर के लिए अप्रोच किया है। वहीं दोस्तों बात करें हम तीसरे खिलाड़ी की, तो वो है दोस्तों CSK के जॉश हेजलवुड। जी हां दोस्तों, जॉश हेजलवुड अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेल पाए हैं CSK के लिए। वहीं दोस्तों जॉश हेजलवुड के लिए किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने अप्रोच किया है, क्योंकि दोस्तों उनके फास्ट बॉलर, जो फॉरेनर फास्ट बॉलर, वो अभी तक इतने बढ़िया लय में नहीं लगे हैं। वहीं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है, उन्होंने भी अप्रोच किया है जॉश हेजलवुड को, क्योंकि दोस्तों उनके लिए भुवनेश्वर कुमार भी बाहर हो चुके हैं, इस वजह से फास्ट बॉलिंग को बढ़िया करने के लिए उनको इन्होंने अप्रोच किया है। वहीं दोस्तों बात करें हम चौथे खिलाड़ी की, वो है दोस्तों क्रिस गेल। जी हाँ दोस्तों, क्रिस गेल के लिए भी ऑफर आया है, और दोस्तों क्रिस गेल अभी तक सिर्फ एक ही मैच खेल पाए किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के लिए। CSK की टीम ने इनको ऑफर किया है, क्योंकि दोस्तों CSK की टीम का ओपनिंग पेयर भी इतना बढ़िया कोई नहीं चल पाया, वहीं मिडल ऑर्डर में भी इनको दिक्कत आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें हम पाँचवें खिलाड़ी की, तो वह है दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लोकी फर्ग्यूसन। जी हाँ दोस्तों, लोकी फर्ग्यूसन अभी तक एक भी मैच नहीं खेल पाए KKR की टीम के लिए। बात करें कौन सी टीम ने उनको अप्रोच किया है, वह है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अप्रोच कर रही है फास्ट बॉलरों को, क्योंकि दोस्तों भुवनेश्वर कुमार IPL से बाहर हो चुके हैं। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी उन्होंने अप्रोच किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के विदेशी फास्ट बॉलर अभी तक इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने अप्रोच किया है। वहीं दोस्तों बात करें हम छठे खिलाड़ी की, तो वो है दोस्तों मोहम्मद नबी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद नबी को अप्रोच किया है यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने। जी हाँ दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने मोहम्मद नबी को अप्रोच किया है। वहीं दोस्तों बात करें हम दूसरी टीमों की जिन्होंने मोहम्मद नबी को अप्रोच किया है, वो है दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सुनील नारायण के ऊपर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, इस वजह से इन्होंने अप्रोच किया है। वहीं दोस्तों बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के एक और खिलाड़ी, जो इस लिस्ट के सातवें खिलाड़ी है, वह है दोस्तों बिनी स्टेनलेक। जी हाँ दोस्तों, बिनी स्टेनलेक को अप्रोच किया है यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो फास्ट बॉलिंग है उनमें डेल स्टेन अभी तक इतना अच्छा नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने बिनी स्टेनलेक को अप्रोच किया है। वहीं गाइस बात करें हम आठवें खिलाड़ी की, तो है दोस्तों मोइन अली। जी हाँ दोस्तों, मोइन अली के लिए भी ऑफर्स आई है कई टीमों की तरफ से। तो बात करें पहली टीम की जिसने उनको ऑफर दिया है, जो अप्रोच किया है, वो है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, RR की टीम ने मोइन अली को अप्रोच किया है। वहीं दोस्तों बात करें हम दूसरी टीम की जिन्होंने अप्रोच किया है यहाँ पर मोइन अली को, वो है दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। और दोस्तों ये दो टीम है जिन्होंने मोइन अली को अप्रोच किया है। तो गाइस बात करते हैं हम इस लिस्ट के नौवें खिलाड़ी की जो मिड सीजन ट्रांसफर हो सकते हैं, वो है दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के मिचेल मैकलेनिगन। जी हाँ दोस्तों, मिचेल मैकलेनिगन के लिए भी ऑफर आया है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, KXIP की टीम, जैसा कि आपको पता ही है उनके जो विदेशी फास्ट बॉलर है वो अच्छा नहीं कर पाए, इस वजह से वो उनको लेना चाहते हैं। वहीं बात करें हम दसवें खिलाड़ी की जो मिड सीजन ट्रांसफर हो सकते हैं, वो है दोस्तों डेविड मिलर। जी हाँ दोस्तों, डेविड मिलर के लिए भी ऑफर्स आई है। तो दोस्तों बात करें हम पहली टीम की जिसने डेविड मिलर को अप्रोच करने की ट्राई की है, वो है दोस्तों CSK की टीम। जी हाँ दोस्तों, CSK की टीम ने उनको अप्रोच किया है, क्योंकि दोस्तों CSK की टीम के लिए ओपनिंग भी अच्छा नहीं हो रहा, मिडल ऑर्डर भी इतना अच्छा नहीं लगा है।
वहीं बात करें हम दूसरी टीम की तो वो है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने भी अप्रोच किया है डेविड मिलर को अपना मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और दोस्तों साथ ही साथ की एक आईपी की टीम ने भी अप्रोच किया है। तो दोस्तों कुछ जो ये खबरें थी जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके आधार पर ये वीडियो बनाई है मैंने। और दोस्तों ये 10 प्लेयर्स हो सकते हैं मिड सीजन ट्रांसफर। सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना।